Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar of Class 10 Science Chapter 1 Chemical Reactions and Equations. In this session, we will solve MCQs with explanation. Question number 1 to question number 18. I will try to explain each question through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for offline revision and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us begin the question. तो आज हम लोग चैप्टर वन का एमसीक्यूज करेंगे और समझेंगे. क्वेश्चन नंबर वन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज. जो ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, इसमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है? फिजिकल चेंज में क्या होता है? ओनली शेप, साइज, कलर चेंज होता है. केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है जो मोस्टली इरिवर्सिबल होता है, नया उसका प्रॉपर्टीज होता है. तो जैसे ऑप्शन क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव अ वाटर वेपर, दैट इज क्या? वाटर का बॉयल होना, वाटर वेपर देना, दैट इज अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. नेक्स्ट डी क्या है? कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, दैट इज अ केमिकल चेंज. क्या है? जो एलपीजी जब बर्न होता है तो क्या है? न्यू कंपाउंड बनता है. कंबसन क्या है? ऑलवेज अ केमिकल चेंज, बिकॉज अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म आफ्टर बर्निंग एंड इट इज इरिवर्सिबल. तो जो फिजिकल चेंज नहीं है, क्या है? कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर टू क्या कर रहे हैं? द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, क्या रिएक्शन दिया है? 4NH3, ये क्या गैस है, प्लस 5OT ऑल्सो गैस, दैट गिव्स 4NO नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 6H2O. क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन कंबिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमारे को ऑप्शन दिए हैं 1 and 4, डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन, 2nd and 3rd, कॉम्बिनेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, 1 and 3rd, डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, और 3rd and 4th, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन. तो जो रिएक्शन क्या है? 4NH3 प्लस 5O2, दैट्स गिव 4NO प्लस 6H2O. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो रहा है, NH3 से NO बन रहा है ऑक्सीजन, तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड ऑल्सो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन. द रिएक्शन पर मिक्सचर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स, क्यों? ऑक्सीजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ क्या है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, दैट इज रेडॉक्स मेकिंग इन डिस्प्लेसमेंट. नाइट्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड. क्या यहाँ ऑक्सीजन 5O2 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? रिड्यूस हो जा रहा है यहाँ आगे, दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. तो दिस रिएक्शन इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। क्या है? 3Fe मतलब आयरन प्लस 4H2O गैस दैट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहां पे क्या हो रहा है? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहां आयरन क्या हो रहा है? Fe3 से Fe3O4 ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज अ करेक्ट। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर क्या हो रहा है? जैसे यहाँ H2O, दिस यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिड्यूस्ड ऑल्सो अ करेक्ट। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो करेक्ट आंसर होगा 1/3, 1/2, and 1/4। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड वाटर इज एक्टिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन विथ वाटर टू गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम वाटर, हेंस इट इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां क्या है? यहां एडिशन हो रहा है, दैट इज क्या ऑक्सीडाइज हो गया, और यहां पे रिमूवल हो रहा है वाटर से, तो रिड्यूस हो गया। आयरन क्या हो गया? आयरन ऑक्सीडाइज हो गया और वाटर रिड्यूस हो गया। अब रिमूवल हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ये यहाँ आयरन के साथ ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे आप करेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंबाइन्स विथ आयरन दैट नॉट वाटर, क्योंकि वाटर से तो रिमूव हो रहा है, ये गलती से यहाँ पे लिख गया है, तो यहाँ पे वाटर की जगह आयरन होगा। नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, गर्मी महसूस होती है, बहुत एनर्जी निकलती है। द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवोपरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल। तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? रिएक्शन वाटर, जब क्विक लाइम में आप वाटर डालते हैं तो देखते हैं बहुत हीट निकलता है। जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं वाटर से तब भी हीट निकलता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? हाई अमाउंट में हीट रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, हेंस हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन वाटर रिएक्ट विथ क्विक लाइम एंड एसिड रिएक्ट विथ वाटर। दैट इज द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5, क्या करें? 3 बीकर्स लेबल्ड ए बी सी ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर बटेको। 3 बीकर है ए बी सी लेबल्ड है जिसमें 25 ml वाटर है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NOH एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड NaCl वेर एडेड टू द बीकर ए बी सी रिस्पेक्टली।
मतलब कि ए में एनओएच डाला गया, बी में कॉपर सल्फेट, सी में एनएसएनसीएल ऐड किया गया। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्ड इन बीकर ए एंड बी। ए और बी में जब हम वाटर में जब एनओएच और बी में कॉपर सल्फेट मिलाए तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर राइज किया। वेयर एज इन सी में जब हम एनएसएल में ऐड किए तो क्या हुआ, टेम्परेचर फॉल हुआ। इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट क्या है। इन बीकर ए एंड बी द एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसका मतलब है कि हीट एवोल्व हुआ, दैट इज अ एक्सोथर्मिक, दैट इज अ करेक्ट। इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस इज ऑकर्ड, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जब हीट टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट इवॉल्व होगा, तो एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होता है, एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जॉर्ब करता है, दैट इज अ करेक्ट इनकरेक्ट। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, सी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है। टेम्परेचर फॉल होना मीन्स कि ऑब्जर्व होना, दैट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट एंड फोर, सी वन एंड फोर। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर घटता है। मतलब एंडोथर्मिक सराउंडिंग से टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लेता है अंदर, दैट कूलिंग हो जाता है, और एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग में टेम्परेचर देता है, मतलब कि गर्मी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को धीरे धीरे परमैंगनेट सॉल्यूशन है, जो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन है एक बीकर में, उसमें हम डाल रहे हैं। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपीयर। जो पर्पल परमैंगनेट के जो का सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। जब हम धीरे धीरे फेरस सल्फेट उस बीकर में डाल रहे हैं तो क्या होगा कि जो पर्पल कलर है धीरे धीरे फेड होगा, फाइनली खत्म हो जाएगा, दैट इज कलरलेस सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, केनो फोर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है, KNO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां से फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, दैट इज ए करेक्ट आंसर। जो भी क्या है, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज KNO4, फेरस सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, दैट इज रॉन्ग। द कलर डिसअपीयर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इन्वॉल्व। जो पर्पल कलर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डाइल्यूशन के चलते नहीं, रिएक्शन के चलते कलरलेस हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। KNO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट टू कलरलेस कंपाउंड। पोटेशियम परमैंगनेट अनस्टेबल कंपाउंड नहीं है, वो इसलिए फेरस सल्फेट के प्रेजेंस में नहीं डिकम्पोज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसलिए क्या है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है KNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जब सॉल्यूशन में हम ऐसे वाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन में जब ग्रेजुअली फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को डालते हैं तो धीरे धीरे जो पोटेशियम परमैंगनेट की पर्पल कलर है वो फेड होते होते फाइनली डिसअपियर हो जाता है, दैट इज अ ऑक्सीडाइज टू फेरस सल्फेट, दैट इज अ करेक्ट आंसर। क्या
क्या है इन दिस रिएक्शन? पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सोल्यूशन इज कलर्ड पर्पल बिकॉज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड इट इज इवेंचुअली डिसअपीयर व्हेन ऑल द पोटेशियम परमैंगनेट इन द सोल्यूशन इज यूटिलाइज्ड। जैसे ही जब हम सल्फेट जो डाल रहे हैं फेरस सल्फेट, तो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे को ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों में ही चेंज आता है, डिस्प्लेस करता है। जैसे कि क्या है ऑप्शन, लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, PbCl2 हो गया प्लस कॉपर, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या बताना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट दैट इज मींस रॉन्ग है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड दैट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। ये में क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट जब रिएक्ट हो रहा है तो सोडियम डिस्प्लेस होके क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन जा रहा है और सोडियम बेरियम को यहां डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड में, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट में कार्बन एडिशन है, नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां भी CH4+2O2, तो क्या है यहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ओनली सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच एमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में लंबे समय के लिए रखते हैं तो उसका कलर ग्रे में चेंज हो जाता है, क्यों, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके सिल्वर में फॉर्म होने लगता है इसलिए उसका कलर ग्रे हो जाता है। तो हमारे को ऑप्शन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, दैट इज करेक्ट, क्योंकि जब सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को लंबे समय तक रखेंगे तो क्या होगा उसका कलर चेंज होकर ग्रे होने लगता है, चेंज होने लगता है, दैट इज दैट मीन्स कि सिल्वर का फॉर्मेशन होने लगा, डिकम्पोजिशन होने लगा सिल्वर क्लोराइड का। तो द सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, दैट इज रॉन्ग, सब्लिमेशन नहीं होता, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड ऑल्सो रॉन्ग, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, मतलब कि जो सनलाइट में जब सिल्वर क्लोराइड को हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो जो उसका कलर चेंज होता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर, तो ओनली जो ए है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9, क्या करें, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकम्पनीड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट। जो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है जब वाटर से रिएक्ट होता है विग्रेसली तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब कैल्शियम है तो हीट लिबरेट करता है, मतलब कि क्विक लाइम में जब हम पानी डालते हैं तो देखते हैं बहुत हीट है, दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज अ क्विक लाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेकिंग ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सोल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। Which among the following is true about shaking of lime and solution formed? तो क्या हो रहा है, जब हीट इवॉल्व हो दैट इज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट
का इवॉल्व होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब पीएच क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, मतलब अल्कलाइन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि क्या हो रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट हो रहा है तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट लिबरेट करता है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड ऑल्सो द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज अल्कलाइन हो जाएगा, दैट इज मोर देन 7। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, बेरियम क्लोराइड अब अमोनियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, मतलब बेरियम क्लोराइड जो बेरियम है उसको डिस्प्लेस करके सल्फेट हो जा रहा है, और जो अमोनिया जहां है वहां क्लोराइड, दैट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ के साथ इसमें जो बेरियम सल्फेट जो है प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, तो ऑल्सो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ए व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, एंड अमोनियम क्लोराइड दैट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑल्सो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज ए सेकेंड एंड फोर्थ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो उसमें जो ऑक्सीजन और गैस लिबरेट होते हैं तो उनकी जो मोल रेशियो है वो क्या होता है, तो वाटर में कितना है H2O, मतलब एक मोल वाटर में हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन H2O मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 2:1 जो रेशियो बना वो क्या हुआ, 2:1। तो जो रेशियो होगा करेक्ट आंसर 2:1। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है, रिएक्शन सराउंडिंग से कूलिंग देता है, दैट इज अ डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब एसिड का डाइल्यूशन होता है तो हीट इवॉल्व होता है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का जब सब्लिमेशन होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये भी नहीं, इवोपरेशन ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो, जब वाटर का इवोपोरेट होगा तो कूलिंग होगा, मतलब चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस और लिक्विड टू गैस, क्या अब्जर्व हीट, सॉलिड से जब गैस बनता है या लिक्विड टू गैस होता है तो वहां क्या होता है, हीट को अब्जर्व करता है, हेंस सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवोपोरेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब सॉलिड से गैस में चेंज होता है
या लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो वहां क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब करता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है। इसलिए करेक्ट आंसर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वेस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वेस लेड नाइट्रेट ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड बन रहा है। अगर लेड नाइट्रेट नहीं अवेलेबल है तो इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, तो जिससे कि हमें लेड आयोडाइड बने। अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो हमारे को ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से क्या यूज करेंगे जिससे कि लेड आयोडाइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो लेड। तो ऑप्शंस क्या है, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। तो अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट में तो लेड है ही नहीं, तो लेड आयोडाइड बनेगा कैसे, तो ऐसे नहीं होगा। लेड सल्फेट है तो लेड सल्फेट अगर इनसॉल्युबल है तो यूज नहीं कर सकते, अगर इनसॉल्युबल है तो कैसे यूज करेंगे। तो क्या हमारे को ऑप्शन लेड एसीटेट, अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो उसके जगह हम अगर लेड एसीटेट का रिएक्शन करते हैं बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वेस लेड एसीटेट तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, लेड एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन आयल फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए जो आयल का फ्रेश सैंपल के स्टोरेज के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। तो हीलियम और नाइट्रोजन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैन नॉट बी यूज्ड एज इट एन ऑक्सीडाइजर, हीलियम कैन बी यूज्ड एज इट एन इनर्ट गैस। हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एंड इट इज चीपर देन हीलियम। तो हीलियम या नाइट्रोजन को क्या, जो नाइट्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव होता है। तो इन मोस्ट केसेस नाइट्रोजन इज यूज्ड इन पैकेट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए यूज नहीं कर सकते, हीलियम यूज कर सकते हैं, इनर्ट गैस है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन जो है लेस रिएक्टिव होता है और हीलियम से चीपर भी होता है, तो हीलियम और नाइट्रोजन को हम यूज कर सकते हैं। जनरली रेंसिडिटी के लिए हम जो पैकेट में नाइट्रोजन की फ्लशिंग होती है जिससे कि रेंसिड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में ये रिएक्शन यूज करते हैं ऑक्सीजन को मतलब प्रिपेयर करने के लिए। क्या है, क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 सॉलिड, इसको जब कैटलिस्ट देके हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड बनता है और ऑक्सीजन गैस के रूप में बनता है। Which of the following statement is correct about the reaction? क्या हो रहा है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर।
तो के इसमें क्या है, जब पोटेशियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं तो टूट रहा है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। और क्या है, जब हीट दे रहे हैं तो हीट से जब टूट रहा है तो हीट फॉल हो रहा है, मतलब कि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू गिव पोटेशियम क्लोराइड, और दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक इन नेचर, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, कौन सा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है, तो गैस ऑक्सीजन की एक गैस का गैस सिलेंडर में स्टोर करना, दैट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, दैट इज ऑल्सो नॉट अ केमिकल, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, पेट्रोल को अगर हम चाइना डिश में ले रहे हैं दैट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, अगर कॉपर वायर को एयर के प्रेजेंस में जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो दैट इज चेंज आएगा, तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। इन फर्स्ट थ्री ऑप्शंस गिवन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल, स्टोरेज नॉट अ स्टोरेज, लिक्विफिकेशन और कीपिंग पेट्रोल नॉट अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, कॉपर अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू गिव आउट कॉपर ऑक्साइड, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर, जो ये हमारे को ऑप्शंस दिए हैं इसमें जो एब्रिविएशन दिए हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन सा करेक्ट है, जैसे कि यहाँ क्या है, 2H2 मतलब हाइड्रोजन लिक्विड है, ऑक्सीजन लिक्विड है, दैट गिव्स H2O गैस, सेकेंड ऑप्शन हाइड्रोजन गैस के रूप में ऑक्सीजन अदर, दैट गिव्स H2O लिक्विड, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस के रूप में ऑक्सीजन गैस के रूप में दैट रिएक्ट एंड गिव H2O लिक्विड, एंड लास्ट H2O गैस ऑक्सीजन गैस एंड That gives H2O gas. तो इसमें जो इस इक्वेशन में जो अब्रिविएशन ये दिए हुए हैं जो इनके किस रूप में है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, हमें बताना है दैट इज कौन सा करेक्ट है, दैट इज करेक्ट, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट बनते करते हैं तो क्या बनता है, वाटर H2O लिक्विड, दैट इज करेक्ट, एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, गैस, वेयर वाटर इज लिक्विड, तो दैट मीन्स किस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमारे को ये ऑप्शंस दिए हैं इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो स्मॉल एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल मिलके एक
बिगर बनाते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, 2KClO3 मतलब कि पोटेशियम क्लोरेट हीटेड दैट गिव्स KCl+3O2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट टूट के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में आ रहा है, दैट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तो एक बड़ा कंपाउंड दो छोटे में टूट है, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें क्या बताना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O दैट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे, दैट कंबाइन हो रहा है आपस में और दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ भी 4Al+3O2 दैट गिव Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, Zn+FeSO4 दैट गिव्स ZnSO4+Fe, दैट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, आयरन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बन रहा है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब कि दो छोटे छोटे जब मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे MCQs, तो आप जब चैप्टर की कंसेप्ट भी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा MCQs इजिली अपने से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं हमने उसको यहाँ बताया, नेक्स्ट सेशन में अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।